चक्रामपुर के मृतक परिवारों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास और सुरक्षा की कलेक्टर से मांग, क्षेत्रीय महासभा ने सौंपा ज्ञापन। क्षेत्रीय महासभा के जिलाध्यक्ष एसके चौहान ने बताया कि चक्रामपुर में पीड़ित परिवार को दिए गए आश्वासन के अनुरूप एक भी सुविधा प्रदान नहीं की गई है, जिसके कारण परिवार अपने आप को असहाय और असुरक्षित महसूस कर रहा है। 8 माह में भी सुनवाई न होना चिंता का विषय है। मृतकों के परिवारों को 50-50 लाख और घायलों को 25-25 लाख की आर्थिक सहायता की मांग की है। सरकारी नौकरी प्रदान करने की भी मांग की गई है। परिवार के पुनर्वास के लिए नरवर में आवासीय भूखंड प्रदान करना और उस पर आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना, परिवार को सुरक्षा प्रदान करते हुए शस्त्र लाइसेंस प्रदान करना, मृतक परिवार के खिलाफ दायर झूठी FIR निरस्त करना, अपराधियों को कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की है। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आंदोलन की चेतावनी दी। आज जो आपने आवेदन दिया है, मतलब वो किस विषय पे दिया है? जी, हमारे चक्रामपुर में घटना हुई थी, तो उसके संबंध में हमारी जो मांगे थी, उस मांगों में से एक मांग हमारी शस्त्र लाइसेंस वाली थी। उस मांग को बार बार हम 4-5 माह से लगातार आ रहे हैं, तो उसके संबंध में हमने कलेक्टर महोदय से चर्चा की है। आश्वासन दिया है कि आप अगर गाँव अपना छोड़ के दूसरी जगह निवास करेंगे तो आपके हथियार का लाइसेंस मिलेगा और अपन को भूमि आवंटन एवं नौकरी के लिए भी कहा है उन्होंने। हम भी ये चाहते हैं कि नौकरी मिले, लाइसेंस मिले और वहाँ से जगह विस्थापित हो गए, भूमि अधिकार का पट्टे के नियम से तहत उनको आवंटन किया जाए, जमीन का आर्थिक सहायता प्रदान, आर्थिक सहायता भी दी जाए उनको। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती आगे आप क्या करेंगे? तो हम ऐसे ही आंदोलन करेंगे, धरना देंगे।